ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने मिर्ची बड़े बनाए हैं, वो भी बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बने हुए हैं। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसे रोटी, पराठे, पूड़ी, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से मिर्ची बड़े बने हुए हैं। इसमें हमने अंदर स्टफिंग भरी है, वो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत यूनिक लगती है। मैं आपको मिर्ची बड़े को कट करके बताती हूँ। इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया हुआ है। ये देखिए इतना अच्छे से मिर्ची बड़ा बना हुआ है। तो चलिए हम मिर्ची बड़े को बनाना शुरू कर। हाय एवरीवन, मैं हूँ शालिनी, कुक विद शालिनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थानी स्टाइल में मोटी भरवा मिर्च बनाएंगे। मिर्च बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है, इस तरह से मोटी वाली। इसे अच्छे से धोकर हमने सूखे कपड़े पे पोंछकर सुखा दिया था। और इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 4 बड़े साइज के आलू को बॉईल करके मैश करके ले लिया है। तो अब हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसमें छोटे वाले 2 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे हम स्टफिंग में। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें मस्टर्ड ऐड करेंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने फ्लेम को अभी मीडियम रखा है। हम इसमें 1/4 टी स्पून मस्टर्ड ऐड कर देंगे। पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। इन दोनों को अच्छे से फ्राई हो जाने देते हैं। साथ में ही मैंने 2 टेबल स्पून जितने प्याज काट के रखे फाइनली चॉप करके, ये प्याज ऐड करना इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप लाइक करते हैं तो ऐड कीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। 1 हरी मिर्च मैंने चॉप करके रखी थी, इसे ऐड करेंगे हम। इन्हें अच्छे से सॉटे कर लेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। प्याज और हरी मिर्च हमारी अच्छे से कलर चेंज हो गया है, तो हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करते समय फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करी है हमने। 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। रेड चिल्ली पाउडर अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिए। 1/4 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। इसी के साथ में अब हम आलू को ऐड कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जल नहीं पाए। हमने जो आलू बॉईल करके रखे इसे ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। आलू मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैंने आधा चम्मच चाट मसाला लिया है और आधा चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और चटपटी से हमारी स्टफिंग लगेगी। 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक और ऐड कर लूँगी मैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिए। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है, तो हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे और ये हरा धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इन्हें मिक्स कर लेते हैं साथ में। देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग बनी है। बहुत ही अच्छा मिर्ची बड़ा हमारा बनकर तैयार होगा। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। अब हम मिर्च को बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर को रेडी कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। इस बेसन को हम बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। 1 कप बेसन के लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया है। रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही ऐड करूँगी मैं। आप जितना लाइक करते हैं अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा ऐड कीजिए। पिंच ऑफ इसमें मैंने हल्दी ऐड की है और पिंच ऑफ ही हींग ऐड करूँगी, क्योंकि बेसन और आलू दोनों ही हैवी होता है, तो हींग और ये अजवाइन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अजवाइन को हम अपने हैंड की हेल्प से क्रश करते हुए इसमें ऐड करेंगे और इन्हें अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, इससे कि बेसन अच्छा फ्लफी हो जाएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर लीजिए। अब हम इसका एक अच्छा सा स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे।
हम इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अगर हम एक साथ इसमें पानी ऐड कर देंगे तो बेसन में लम्स बन जाएंगे और बेसन पतला भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाते हैं। हमने बेसन का बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। कितनी स्मूथ कंसिस्टेंसी की है आप देख पा रहे हैं। आधा कप पानी लिया था, उसमें से भी 2 टेबल स्पून पानी हमारे पास बचा हुआ है। बेसन हमारा सेट हो रहा है, जब तक हम मिर्ची को काट लेते हैं। मिर्ची को कट करने के लिए हम इस तरह से बीच में से एक कट लगाएंगे। पीछे की साइड से ये कट नहीं लगना चाहिए और इसमें जो सीड्स होते हैं इसे हम अलग कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप इसके सीड्स इसमें रहने भी दे सकते हैं, पर मैं इसके सारे सीड्स को अंदर से निकाल दूंगी। पूरा मिर्ची को हम खोखला कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से हम स्टफिंग कर पाए। सब मिर्ची को सेम प्रोसेस से हम कट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से एक कट लगाएंगे और यहाँ तक लाएंगे। नीचे से बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, नहीं तो स्टफिंग बाहर आएगी। और इसके सीड्स को हम इस तरह से अलग कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। मैं सारे सीड्स को अलग कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारी मिर्ची में कट लगा लिए हैं और हमने मिर्ची में, अब हम इसमें स्टफिंग कर भर लेते हैं। स्टफिंग भरेंगे जब तक हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। ऑयल भी गर्म हो जाएगा साथ में। इस तरह से मिर्ची को खोलेंगे और इसमें हम सेम मिर्ची को ओपन करेंगे और इसमें स्पून की हेल्प से, आप चाहे तो आपके हैंड की हेल्प से भी इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। मैं इसमें हैंड की हेल्प से कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से हो जाएगी स्टफिंग इसमें। अच्छे से भर भर के हम इसमें स्टफिंग करेंगे। जितनी अच्छी स्टफिंग होगी मिर्ची का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मैंने इसमें मिक्स अचार का मसाला ऐड नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा ही स्पाइसी और बहुत खट्टेपन पे लाइक करते हैं टेस्ट, तो आप इसमें अचार के मसाले को भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से भर गया है। ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम इसमें ऊपर की साइड भी मसाला लगा देंगे। पूरी मिर्ची को हम कवर करेंगे मसाले से। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसे मार्केट में जंबो मिर्ची बड़े के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। पूरी मिर्ची इस तरह से कवर कर लेते हैं मसाले की हेल्प से। देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसमें मिर्ची आलू की स्टफिंग को कोट कर दिया है और बहुत अच्छे से ये कोट हो गई है। इसी तरह हम सारी मिर्ची को कोट कर लेते हैं। आप इस तरह से मिर्ची के ऊपर भी स्टफिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ अंदर स्टफिंग फिल करके भी मिर्ची बड़ा बना सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। इस तरह से अंदर मिर्ची में अच्छे से स्टफिंग को फिल कर लीजिए। सारी मिर्ची को स्टफ करके रख लिया है और उधर हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। मैं ऑयल को चेक कर लेती हूँ। बेसन तुरंत ऊपर आ रहा है, मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म है। तो अब हम मिर्ची को फ्राई करना शुरू करते हैं। मिर्ची को फ्राई करने के लिए हम एक इस तरह से एक मिर्ची को उठाएंगे और स्पून की हेल्प से इस पे सारी तरफ बेसन को कोट करेंगे। ये देखिए अच्छे से बेसन की कोटिंग इस पे हो जाएगी। और इसको यहाँ से पकड़कर हम इसमें ऑयल में डिप कर देंगे। हम एक और मिर्ची को डिप कर देते हैं। एक बार में कढ़ाई में जितनी मिर्च आ जाए उतनी मिर्च को आप डिप कर लीजिए। इस तरह से स्पून से हम इसे पूरा कोट कर लेंगे। मिर्ची को बहुत अच्छे से कोट हो जाएगी। ये देखिए और अब हम इसे इस तरह से पलट के पीछे साइड से भी बेसन से कोट करेंगे। बहुत ही अच्छा मिर्ची बड़ा बनकर तैयार होगा। देखिए और अब हम इसे ऑयल में डिप कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। मिर्ची को टर्न करके देख लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से टर्न हो पा रही है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से सिकने देते हैं। कितना अच्छा इस पे कलर आया हुआ है।
हमने वो वाली मिर्ची को निकाल लिया था। अब सेम प्रोसेस से हम दूसरी मिर्च को फ्राई कर लेते हैं, सेकंड बैच को। ये देखिए इस तरह से एक बार में जितनी मिर्च आ जाएगी हम सारी मिर्च को ऐड कर देंगे। इसी के साथ में हमने जो पूरी आलू से स्टफ्ड मिर्ची बना के रखी है उसे भी फ्राई कर देंगे। इसे हम इस चम्मच की हेल्प से ही बेसन से कोट करेंगे। अगर ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो आलू की स्टफिंग बेसन में निकल जाएगी, इसलिए इसे केयरफुली करें। ये देखिए ये भी हो गया है कोट अच्छे से। अब हम इसे इस तरह से डाल देते हैं। अब इन्हें हम नीचे से सिकने तक हिलाएंगे नहीं, जब इसका नीचे से सिक जाएगा तब हम इन्हें टर्न करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई है और कितना ही अच्छा इस पर कलर आया है। तो अब हम इन मिर्च को निकाल लेते हैं। ये देखिए और बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती है। एक एक करके हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मिर्ची बड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं मिर्ची बड़े। बिल्कुल भी ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे अभी काटा था, आप देखिए कितने अच्छे से काटा और अंदर परफेक्ट इसमें स्टफिंग है। अगर आपको मिर्ची बड़े की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।